हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंटल सिल्वर मिनी में किस तरह से ट्रेडिंग होने वाली है। सिल्वर माइक्रो की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, बहुत अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर वहां से ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट लेवल क्या निकल के आएगा, इनके ब्रेकआउट नहीं होता है तो वहाँ पर क्या लेवल रहेंगे, सारी कंडीशन वहाँ पर आपको शो कर रखी है। अगर आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर भी करते रहिए, जिससे मैं आपके साथ अच्छे कंटेंट शेयर करता रहूँ। टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं चार्ट की। चार्ट की अगर बात कर रहे हैं तो मार्च मंथ की ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई है। एक अच्छे लेवल से मार्केट ने लगभग 1 से 1.5% का मूव दिखाया है। अब उसके बाद में फर्दर क्या लेवल होने वाले हैं उसको भी हम देखेंगे, लेकिन जो भी कंडीशन रहेगी सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के रहेगी, उसको आपको वॉच करना होगा। सबसे पहले जो लेवल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यू 3 महीने से लो का पैटर्न बनाता हुआ चल रहा था मार्केट, अभी ये ओपनिंग हुई है और एक लेवल पर 1 दिन की ट्रेडिंग हुई है। अब इसको ऊपर निकलने के लिए जो इसमें 72,500-600 का लेवल है, इसके ऊपर इसको निकलना चाहिए और थोड़ा रुकना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट इसके लिए 73,000 होता हुआ 74,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड में। अगर नीचे दोबारा ये जाने की कोशिश करता है तो इसको 71,000 होता हुआ 70,800 इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर सपोर्ट का बनता हुआ दिखाई पड़ा, उसके बाद 70,000। इसके बीच में फिलहाल इसकी ट्रेडिंग बनने वाली है मंथली टाइम में, जो भी हमें फिलहाल के लिए विजुलाइज हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन अगर आप देखते हैं तो कंटिन्यू जो लेवल ये सस्टेन किया हुआ है, इसमें अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 6 वीक हो चुके हैं, 6 to 7 वीक हो चुके हैं, इसी वीक में ये ट्रेडिंग कर रहा है। अगर आपको दूसरी कंडीशन में देखते हैं तो 2024 में एंट्री के बाद में ये मार्केट के लिए जो लेवल बने हुए थे लगभग 1500 पॉइंट का, इसी में ट्रेड कंटिन्यू करता हुआ जा रहा है। अब ऐसे लेवल में जो लोअर लो का पैटर्न बनाता हुआ जा रहा था, हमें थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आई है। 3 वीक की अगर पॉजिटिव कैंडल लगते हैं तो पॉजिटिवनेस आई है, नो डाउट। लेकिन हमारे लिए पहला अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल फेस करने वाला है 72,500 प्लस माइनस 200 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ बनने वाले हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता हुआ दिखाई पड़ेगा 73,000 होता हुआ 74,000 का लेवल रहेगा, जो ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छे जोन पे ये रिएक्ट करने के साथ में पॉजिटिव कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम कैंडल के साथ जाते हैं और पैटर्न के साथ जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मार्केट में। लेकिन आपको यहाँ पर बाई करने के साथ साथ में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए या फिर स्टॉप लॉस को लगाते हुए चलना है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि कितना टारगेट हो सकता है, तो फ्रेंड्स कितना टारगेट के लिए हम यहाँ पे नहीं चलते हैं। हमारा जो सिंपल फंडा रहता है, जो मैं आपके साथ मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में शेयर करता हूँ, कि आपको रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए आपको ट्रेड करना है। एटलीस्ट आपका जो एंड ऑफ द मंथ है या एंड ऑफ द वीक है, आपका जो क्लोजिंग कर रहे हैं वो पॉजिटिव साइड में करें। अब यहाँ पर कंडीशन जो बन रही है 72,500-600 के ऊपर निकलता है तो इसके लिए फिर नेक्स्ट लेवल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा 73,200 के आसपास। इसके बाद में 74,000 होता हुआ 75,000 के आसपास इसका रेंज आने वाले टाइम में बनेगा। ऐसा नहीं कि अभी इसी वीक में आपको 75 का लेवल भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तक इसके जाने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर ये 72,500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो ये कंडीशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अब नेक्स्ट अगर आप दूसरी कंडीशन देखते हैं तो जिसके लिए लो का पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, उसके बाद में इस पर थोड़ा सा मार्केट रुका है। आप ये देख रहे हैं लगातार 3 वीक से जो एक ट्रेंड निगेटिव बना हुआ था उसके आसपास मार्केट कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था, यहाँ भी थोड़ी सी पॉजिटिवनेस आती हुई दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो एक अच्छे लेवल के पास ही कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। और इस लेवल को अगर हम सिंपल मार्क करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2, 3 जब भी जाता है उसके आसपास टाइम बिताता है। इसकी ओपनिंग हुई थी 72,000 के ऊपर, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, फाइनली नीचे आया 70,800 के आसपास, फिर दोबारा से रिकवर करके ऊपर निकल रहा है। इसको एक पॉजिटिव मूव चाहिए था, पॉजिटिव मूव के लिए पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए थी। वो इसको थोड़ा मार्केट में ऐसा प्रेडिक्शन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि होपफुली आपको
आने वाले टाइम में कुछ अच्छे न्यूज़ देखने को मिले, उस बेस से ये थोड़ा सा रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है, 71,000 और 70,800 का लेवल, उसके आसपास मार्केट कंटिन्यू अगर देख रहे हैं एक हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है, छोटी छोटी कैंडल बनाता है, फिर 73,000 को ब्रेक करता है, तो इस वीक में आपको होपफुली 74,000 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के साथ ही ट्रेडिंग का प्लान करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको अगर बाई करते हैं तो आपको लॉट साइज़ ज़्यादा रहता है, आपको अमाउंट ज़्यादा लगता है, तो आपको उस बीच से देखना होगा। क्योंकि अगर जो साइकोलॉजी होती है वो मैक्सिमम मेजर रोल प्ले करती है एज कम्पेयर टू टेक्निकल एनालिसिस। साइकोलॉजी आपकी जितनी अच्छी स्ट्रांग रहेगी उतना अच्छा आपका विनिंग रेशियो बढ़ जाता है कि आपके ट्रेड कितने आपके फेवर में जाने वाले हैं। तो यहाँ जिस लेवल पे ये खड़ा हुआ है, ये लेवल बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट मूव के लिए। तो इसको मैं एक ट्रायंगल के थ्रू, रेक्टेंगल के थ्रू आपको मार्क कर देता हूँ कि जो मार्केट के लिए लेवल ये बनाने की कोशिश कर रहा है, जो भी लगभग 400-500 पॉइंट का ये जोन है, बहुत ही क्रूशियल है। उसके बाद में आपको 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है अगर ये सस्टेन करने लगता है। इस वीक में होपफुली हमें एक 74,000 का एक मूव देखने को मिल सकता है अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छा सप्लाई जोन है, 2024 में जब से एंट्री किया है कंटिन्यू 2 महीने हो गए हैं ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया। लास्ट एंट्री जो इसने किया है वो 3 जनवरी को किया है, अभी ये 3 मार्च हो चुका है, कंटिन्यू 2 महीने हो चुके हैं, तो इस बेस से आपको वॉच करना होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे 4 आवर सेटअप में देखने की कोशिश करते हैं और थोड़ा वॉल्यूम के साथ में EMA का भी यूज करते हैं तो देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स है। अगर दोनों कंडीशन को अगर आप वॉच करते हैं तो जिस तरह से रैली अभी लगातार 3 कैंडल में बनाया है इसने, 3-4 कैंडल में जो सेलिंग हो रही है कम हो रही है लेकिन बाइंग अच्छी हो रही है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर यहाँ से कंटिन्यू देखने की कोशिश करते हैं पूरे फरवरी में, तो बड़ी बड़ी कैंडल सेलिंग साइड की बन रही थी, बाइंग छोटी छोटी हो रही थी, लेकिन अभी मार्च की जो स्टार्टिंग हुई है, साथ में जो 28 फरवरी के बाद में एंट्री होनी स्टार्ट हुई है, तो आप उसको देखते हैं तो कंटिन्यू थोड़ी बाइंग साइड अच्छी हो रही है और एक सपोर्ट लेवल से रिएक्ट करते हुए ऊपर निकला है। तो होपफुली ये अगर इसको ब्रेक करता है, कैंडल यहाँ छोटी बननी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कैंडल बड़ी बड़ी बनती है तो फिर मार्केट थोड़ा सा उतना अच्छा लेवल नहीं बने। अगर छोटी छोटी कैंडल 1 दिन 2 दिन यहाँ पे बिताता है या फिर 4 आवर्स की 3-4 कैंडल छोटी छोटी बनाता है उसके बाद में ब्रेक करता है, तो हमें डेफिनेटली एक अच्छे लेवल ऊपर की तरफ 74,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। तो कंडीशन काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। अगर लोअर साइड में निकलने की कोशिश करता है, सबसे पहले इसका सपोर्ट जो लेवल रहेगा 72,000 के बाद में जो इमीडिएट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, 71,600 का लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद में 71,000 होता हुआ 70,800 ये लेवल इसके लिए सपोर्ट के काम करने वाले। तो इसी बीच में मार्केट को फिलहाल ट्रेड करना है। होपफुली जो 60-40 का रेशियो अगर बात कर लेते हैं, जो प्राइस पैटर्न हमने देखा उस बेस से एक हमें एक पॉजिटिव होप दिखाई पड़ रही कि हो सकता है आपको एक मूव देखने को मिले। लेकिन रिस्क को मैनेज करने के साथ ही यहाँ पर ट्रेड करेंगे। या अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है, अभी आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो ऐसा नहीं करें कि आपको आज ही एंट्री करें, हो सकता है आपको एक बेटर मूव भी देखने को मिले, बेटर एंट्री भी देखने को मिले। लेकिन पोजीशन साइज को मैनेज करने के साथ ही अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली विनिंग रेशियो आपके बढ़ जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली एक हमें अच्छा पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।